नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में अंधेरी रात थी, टूटा फूटा महल पेड़ से लटकती और ये कौन तुलसी राम से बन रहा है न्यूज़पेपर का है आज का। अब राज नहीं रहेगा राज, मुर्दे भी बताएंगे वो खुश है या नाराज। इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे भटकते संवाददाता प्रकाश हमारे साथ। जी प्रकाश डालिए। राशनी कॉलिन स्मिथ की हाल ही में आई किताब एक महत्वपूर्ण खोज में इस बात का खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि 1969 में एक लैटिन डॉक्टर ने कुछ ऐसे टेप रखे थे जिसमें हिटलर और मुसोलिनी जैसे महान हस्तियों की बातचीत शामिल है। पर मेरी समझ में ये नहीं आया रोशनी कि डॉक्टर ये रिकॉर्डिंग करने कब्रिस्तान गए थे या खुद मरने के बाद हिटलर उनके पास आए, क्योंकि ये बताने के लिए वो डॉक्टर भी जिंदा नहीं है। रोशनी जी प्रकाश, सुना है इलेक्ट्रॉनिक वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रॉनिक वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन। दोबारा पूछिए रोशनी। जी प्रकाश, सुना है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस प्रोजेक्शन के जरिए 72,000 से ज्यादा मुर्दों की आवाजें रिकॉर्ड है। प्रकाश सच? रोशनी दावे तो हैं, पर कई लोगों का मानना है कि ये आवाजें स्पष्ट नहीं है। मतलब ये कि भले ही कोई आत्मा में विश्वास रखे या ना रखे, पर इन अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर जरूर डर सकता है। या फिर हो सकता है राम गोपाल वर्मा को हमारी इस खबर से कोई डरावनी फिल्म बनाने का मसाला मिल जाए, है ना रोशनी? कुत्ता पाल लो प्रकाश, पर गलत फहमी नहीं। खैर, सुना है कि आवाजों में कुछ कैमरामैन चंदू के साथ मैं प्रकाश परेरा बुक स्टॉल से। चाय पी रहा होगा किसी टी स्टॉल पे। ए बड़ा परेरा बुक स्टॉल से।